डिंपल की हार का बदला लेंगे अखिलेश। यूपी की हॉट सीट बन गई है कन्नौज। इस बार कन्नौज में होगा महामुकाबला। सुब्रत पाठक को धूल चटाएगी डिंपल। कन्नौज इस बार यूपी की सबसे हॉट सीट बन गई है, इसलिए यहां तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। डिंपल की हार का बदला लेने के लिए अखिलेश यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जी जान से जुट गई है। इसको लेकर लोकसभा क्षेत्रों में हलचल तेज हो गई है। इस चुनाव में कई सीटों पर ऐसी स्थिति बनती दिख रही है जहां महामुकाबला कांटे का होगा। ऐसी ही सीट कन्नौज लोकसभा की भी बनती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 के साथ चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर चुकी है। इसके लिए जिला स्तर पर तैयारियां शुरू की गई है। टिफिन बैठकों से लेकर तमाम आयोजनों के जरिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने जिलों में शिविर के जरिए अपनी तैयारियों को पुख्ता बनाने की तैयारी की है। इन तमाम आयोजनों के बीच कुछ सीटों पर लोकसभा चुनाव में महामुकाबले के आसार हैं। इन सीटों पर दिग्गज उम्मीदवारों के चुनावी मैदान में उतरने और उनके सामने मुकाबले में भी दिग्गजों के खड़ा होने की, चुनावी लड़ाई जोरदार होने की उम्मीद है। ऐसे ही सीट कन्नौज लोकसभा की भी है। कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर दिया है। वहीं भाजपा सांसद सुब्रत पाठक चुनावी तैयारी पहले से ही शुरू कर चुके हैं। अब जीत हार के दावे भी शुरू भी हो गए हैं। कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। पिछले 5 लोकसभा चुनाव का आंकड़ा देखें तो यहां पर भाजपा बड़ा करिश्मा करती नहीं दिखती है। वर्ष 2014 में मोदी लहर के बाद ही भाजपा उम्मीदवार इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। वर्ष 2019 में तीसरे अटेम्प्ट में सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी करने में कामयाबी पाई। अब इस चुनाव में भाजपा को एक बार फिर से जीत दिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कन्नौज लोकसभा सीट पर भाजपा को 23 साल बाद सफलता मिली थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभूषण सिंह और मुन्नू बाबू ने वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव में सपा की छोटी सिंह यादव को हराकर जीत दर्ज की थी। चंद्रभूषण सिंह ने 54,880 वोटों से जीत दर्ज की थी। 1989 के चुनाव से ही यह सीट जनता पार्टी के पास रही। इसके पहले कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से इस सीट पर लगभग हर बार कब्जा रहा। वर्ष 2009 में भाजपा ने जब यहां से सुब्रत पाठक को चुनावी मैदान में उतारा तो वे समाजवादी पार्टी और बसपा के मुकाबले में खड़े नहीं हो पाए थे। लेकिन क्षेत्र में अपने कार्यों के दम पर वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने डिंपल यादव को कड़ी टक्कर दी। वर्ष 2014 के चुनाव में डिंपल किसी प्रकार इस सीट को बचाने में कामयाब रही थी। उन्होंने सुब्रत पाठक को 19,907 वोटों के अंतर से हरा दिया था। सुब्रत पाठक अगले 5 साल तक क्षेत्र में सक्रिय रहे। लोगों के बीच उनकी मौजूदगी का परिणाम रहा कि वर्ष 2019 के आमने सामने के मुकाबले में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को 12,353 वोटों के अंतर से हरा दिया। सपा बसपा गठबंधन के बाद भी इस सीट को काफी अहम माना गया। अखिलेश यादव की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारी की घोषणा के बाद अब कन्नौज सीट काफी अहम हो गई है। 2019 के चुनाव में बसपा वोटों के बिखराव का असर भाजपा के पक्ष में भी हुआ था। अखिलेश यादव इस परंपरागत सीट को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकते हैं। 2019 के चुनाव में पत्नी डिंपल यादव की हार का बदला वे सुब्रत पाठक को मात देकर कर सकते हैं। हालांकि सुब्रत पाठक ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। लोगों के बीच खुद को बने रहने का दावा करने वाले सुब्रत पाठक अखिलेश यादव की आजमगढ़ सीट छोड़ने की बात लगातार करते दिख रहे हैं। उनके सहयोगी समाजवादी पार्टी पर सांसद के खिलाफ दुष्प्रचार और गलत आरोप लगाने का भी आरोप लगा क्षेत्र की राजनीति गरमाए हुए है। ऐसे में कन्नौज में मुकाबला कांटे का होने के आसार अभी से ही तेज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज लॉन्चर।